कि हिंदू की भावना का सम्मान करे और हिंदू मुसलमान की भावना का सम्मान करे। हाल ही में वंदे मातरम को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक राज पुरोहित और एएमआईएम के विधायक वारिस पठान के बीच जमकर बहस हुई। इस वीडियो के सामने आने के बाद जमकर हंगामा हुआ और एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर बहस शुरू हो गई। सोमवार को लोकसभा में मॉब लिंचिंग पर बहस के दौरान मधुबनी से बीजेपी सांसद हुकुम नारायण यादव ने वंदे मातरम न बोलने वाले लोगों पर जमकर हंगामा बोला। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में बैठकर मौलाना अबुल कलाम खान, अब्दुल गफ्फार खान और रफी किदवई जैसे लोग बैठकर गांधी जी के साथ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाते थे, वंदे मातरम के नारे लगते थे। लेकिन आज इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये राष्ट्र के खिलाफ कार्य है। अभी 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 बिहार में शपथ ग्रहण के बाद एक मुसलमान भाई मंत्री ने कहा जय श्री राम, उनका फतवा जारी हुआ, उनके विवाह का निकाह कैंसिल कर दिया, उनको फांसी झुलाया गया, उनको कहा गया माफी मांगो। वो बीच में गए, सबके बीच में, मॉब के बीच में माइक पर कहते हैं जिन लोगों को मेरी बात से चोट लगी हो, चोट लगी हो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। लेकिन बार बार कहा गया, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसने जय श्री राम कहा तो क्या यह अपराध किया? गांधी जी के समय में मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, रफी अहमद खिदवई थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, साबरमती आश्रम में बैठते थे, सब एक साथ कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कहां गांधी, ईश्वर अल्लाह का गान हिंदू मुसलमान सब मिल के करते थे, कहां मौलाना आजाद थे, रफी अहमद खिदवई थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जाकिर हुसैन थे, ये जब बोलते थे वंदे मातरम गांधी जी के नेतृत्व में, आज वो वंदे मातरम कहना अपराध है क्या? इस देश में हम कहेंगे वंदे मातरम नहीं कहने देंगे। ये मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? ये मॉब लिंचिंग से भी बड़ा अपराध है कि राष्ट्रीयता के साथ, एकता के साथ, अखंडता के साथ राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर धर्म होता है। एक बात कह के मैं समाप्त करूं। NMF News की रिपोर्ट।